हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? सो गाइस, आज हम आईब्रोज बनाना सीखेंगे कि नेचुरल आईब्रोज कैसे बनाई जाती हैं। सो जब मैं बिगनर थी तो मुझे भी आईब्रोज बनाना नहीं आता था, बट धीरे धीरे से मैं सीख गई हूँ। सो इसी एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास है यहाँ पे वेट एंड वाइट की आई शेडो किट एंड वेट एंड वाइट का आईब्रो डिफाइनर। मैं इन दोनों से वन साइड करके आईब्रोज जो अपनी बनाऊंगी, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का आई शेडो पैलेट। सो इससे मैं ले रही हूँ ये ट्रांजेक्शन शेड, हल्का सा इसे ले रही हूँ अपने ब्रश पे। हमें यूज़ करना है एंगुलर ब्रश। सो इस तरह से कलर लेके इस तरह से डैप करना है हल्का सा, ताकि जो एक्सेस हमारा आई शेडो है वो निकल जाए। ठीक है, सो इस तरह का एंगुलर ब्रश आपको लेना है, और ब्रश आपको अपनी जो आईब्रोज होती है उसके आँख होती है, यहाँ पे मैं ब्रश रख रही हूँ, ये आईब्रोज की आँख होती है, वहाँ पे ही आपको ब्रश रखना है और अपवर्ड डायरेक्शन में चलाना है। ठीक है, सो डाउनवर्ड नहीं चलाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसे चलाना है, और आपके जो हेयर ग्रोथ के अपर साइड है उसे भी हल्का सा एक लाइन, उसके ऊपर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। ठीक है, सो आपको फर्स्ट आपको जो आपकी आईब्रोज की शेप है उस ही शेप में आपको आईब्रोज बनाना है। सेकेंड आपको कलर है, वो जो आप कलर यूज़ कर सकते कर रहे हो वो आपकी आईब्रोज के से थोड़ा सा लाइट कलर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप डार्क कलर यूज़ करोगे तो आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा फेक लगेगी। सो इस तरह से आपको आईब्रोज बनानी है, और आपकी जो आँख का फ्रंट वाला पोर्शन है उसे आपको डार्क कभी भी फिल नहीं करना, आपको बिल्कुल लाइट कलर से ही फिल करना है, और बिल्कुल लाइट ब्रश, बिल्कुल लाइट लाइट से ब्रश चलाना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सो इस तरह से ब्रश का ये वाला जो है उसे अपवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, जैसे कि फ्रंट में यहाँ पे ऐसे मैं हल्का हल्का सा इसे लगा रही हूँ। ठीक है, इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें। अगर आपको अपनी आईब्रोज बिल्कुल नेचुरल्स रखनी है, या फिर आपको परफेक्ट आईब्रोज चाहिए, तो आपको आपके जो आप कलर यूज़ कर रहे हो उसको आपको अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी आईब्रोज़ का कलर क्या है। कभी भी ब्लैक कलर से आईब्रोज़ फिल मत कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ऑड लगता है, और आपकी आईब्रोज़ है वो बहुत ज़्यादा फेक लगती हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपको आईब्रोज़ बनाना है। सो आप देख सकते हैं दोनों आईज़ में मेरे डिफरेंस, मैंने एक साइड पे जो अपना आई शेडो से बनाया है। सो आईब्रोज़ बनाने से पहले और आईब्रोज़ बनाने से बाद आपको आपकी आईब्रोज़ को स्पूली से सेट जरूर करना है। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने वन साइड पे अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लिया है, अच्छे से बना लिया है। सो इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट आईब्रोज़ भी बनाएंगे, वो हम बनाएंगे आईब्रो डिफाइनर से। ठीक है, सो ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा नेचुरल और परफेक्ट आईब्रोज़ बनी है हमारी। सो ये थी आई शेडो से, तो अब हम बनाएंगे आईब्रो डिफाइनर से। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि आईब्रो बनाने से पहले और बाद में आप स्पूली जरूर कीजिएगा अपनी आईब्रोज़ को। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ सेकेंड आई पे आईब्रो। अब हम बनाएंगे वन साइड की आईब्रोज यूजिंग आईब्रो डिफाइनर। ठीक है, सो जब भी आप आईब्रो डिफाइनर से आईब्रोज बना रहे हो तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे हम आई शेडो से आईब्रोज बना रहे हैं, तो हम ब्रश पे जो आई शेडो लेते हैं उसे हम डैप डैप करके जो एक्सेस हमारा आई शेडो होता है हम उसे रिमूव कर देते हैं, बट ये इस तरह का होता है लाइक अ पेंसिल। सो इसे हम डैप डैप करके नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली टूट जाएगा। सो आपको इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल लाइट लाइट आपकी आईब्रोज़ पे चलाना होता है, ताकि ज़्यादा डार्क आपकी आईब्रोज़ ना बन जाएं। अगर डार्क बन जाएंगे तो वो फेक लगेंगी। सो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ईज़ली से इसे अपनी आईब्रोज़ के जो हेयर ग्रोथ है उसके डायरेक्शन में आपको चलाना होता है। सो फ्रंट पे भी आपको इसको ईज़ली से ऐसे चलाना है। ठीक है, सो गाइज, आप आईब्रो डिफाइनर या फिर आई शेडो किट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं अपनी आईब्रोज़ बनाने के लिए। अगर आप बिगनर हो तो आपको आईब्रो डिफाइनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैंने पहले भी बताया कि ये कॉस्टली होता है। सो इस तरह से आपकी आईब्रोज़ बना के रेडी हो जाएंगी। सो आईब्रोज़ को आप ज़रूर डिफ़ाइन कीजिए, बिकॉज़ आईब्रो डिफ़ाइन करने से आपकी आईज़ की जो लुक है बहुत चेंज हो जाती है। ठीक है, सो आईब्रोज़ आप किसी से भी बनाएं,
बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आईब्रोज़ के हेयर का कलर है उससे लाइट कलर आपको लेना है और उससे उसके साथ ही आपको फिल करना है, ठीक है। ज़्यादा ब्लैक कलर या फिर ज़्यादा डार्क कलर से आपको आपकी आईब्रोज़ नहीं बनानी है, वो एक नेचुरल कभी नहीं लगेंगी। और आपको जो आपकी आईब्रो का फ्रंट सेक्शन है वहाँ पे भी आपको बिल्कुल लाइट लाइट सा बिल्कुल हल्का सा कलर से ही अपनी आईब्रोज़ बनानी है। सो ये देखिए मेरी आईब्रोज़ कितनी ज़्यादा प्रीटी और अच्छी बन के रेडी हुई हैं। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप बिगनर हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय गाइज़।